हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहां पे बात करने वाले हैं अदानी ग्रीन के स्टॉक के बारे में। ये भी हमारा टॉप 500 की कैटेगरी में आ रहा है स्टॉक। बट इस स्टॉक में आपको बहुत सारी चीजें यहां पे सीखने को मिलेगा कि कैसे स्टॉक में हमको निवेश करना चाहिए और कैसे स्टॉक से हमको बच के चलना चाहिए। सारी चीजें इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। टॉप 500 की कैटेगरी के जो भी स्टॉक हैं वो मैं यहाँ पे हर क्वार्टर कवर करने वाला हूँ, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे साझा जरूर करें। यहाँ पे तो आते हैं यहाँ पे अदानी ग्रीन के स्टॉक पे, ये आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे अदानी जो ग्रीन का स्टॉक है वो करेंटली ट्रेड हो रहा है 1824 रुपए के प्राइस रेंज पे। आज यहाँ पे करीबन यहाँ पे 2.5% का यहाँ पे डाउनफॉल यहाँ पे अदानी के स्टॉक में देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं मार्केट कैप की, मार्केट कैप अगर यहाँ पे देखेंगे 2,88,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। और स्टॉक इसने इस साल हाई जो बनाया था वो 2019 रुपए का बनाया था और लोवेस्ट जो प्राइस था यहाँ पे इस साल का 796 रुपए का था। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे यहाँ पे 176 के आसपास है और बुक वैल्यू अगर आप देखोगे बुक वैल्यू 50 के आसपास पहुंच गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 8 है और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 23 के आसपास है। फेस वैल्यू यहाँ पे आपको 10 देखने को मिल जाएगी अदानी ग्रीन के स्टॉक में। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये बेसिक डिटेल तो सभी के पास रहती है, यहाँ पे बात करते हैं प्राइस की। अगर प्राइस की बात करते हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे जो प्राइस यहाँ पे कोविड के लेवल से ऊपर ले जाया गया था, करीबन 200 का स्टॉक यहाँ पे पहुंच गया था 3,000 रुपए के लेवल पे, 3,000 से यहाँ पे बबल था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो रिवेन्यू है वो यहाँ पे जनरेट नहीं किया जा रहा था कंपनी के द्वारा, सिर्फ प्राइस में मूवमेंट कराया जा रहा था ऑपरेटर के द्वारा। इस कारण से यहाँ पे जो बबल है वो यहाँ पे वस्ट हुआ था। वो अभी जो प्राइस रेंज पे आया था ये अप्रैल 2023 में, वो 500 के लेवल पे आया था, फिर से यहाँ पे 500 के लेवल से ऑपरेटर के द्वारा भगाया गया, करीबन यहाँ पे स्टॉक को फिर से 2000 के आसपास भगाया गया। बट रेवेन्यू अगर नहीं आएगी तो यहाँ से जो स्टॉक है अगेन यहाँ पे क्रैश होगा। और आने वाले टाइम में ऐसे स्टॉक से बच के रहना चाहिए जिनका यहाँ पे रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रिजर्व, ये सारी चीजें यहाँ पे अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक से यहाँ पे बच के चलना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं एनालिसिस में आते हैं। एनालिसिस के बाद यहाँ पे पीयर्स में अगर देखोगे, पीयर्स में यहाँ पे एनटीपीसी है, अदानी ग्रीन है और पावर ग्रिड कारपोरेशन है, अदानी पावर है। ये दोनों जो अदानी के स्टॉक हैं, ये पावर तो मान लो एक वैल्यूएशन ठीक है इसकी, क्योंकि ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, बट अदानी ग्रीन अभी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है। अगर अदानी पावर का देखोगे तो यहाँ पे इनका जो नेट क्वार्टर का प्रॉफिट आ रहा है 2737 करोड़ के आसपास आ रहा है, और अदानी ग्रीन का यहाँ पे क्वार्टर का प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे कितना, 256 करोड़ के आसपास। और मार्केट कैप किसका ज्यादा है, अदानी ग्रीन का मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, अदानी पावर का यहाँ पे मार्केट कैप कम है। तो अदानी पावर अगर कंपेयर किया जाए अदानी ग्रीन से तो एक वैल्यूएशन पे भी है, बट अदानी ग्रीन यहाँ पे एक वैल्यूएशन पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा बच के चलना चाहिए। क्वार्टर के रिजल्ट अगर आप देखोगे, इनकी जो सेल्स है, सेल्स ही यहाँ पे नहीं हो पा रही। सेल्स कितनी हो रही है ये देख सकते हो, सेल्स कितनी हो रही, 2311 करोड़ के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट छोड़ दो जितना भी है, मान लो पूरा का पूरा ही यहाँ पे आ गया 1666 करोड़ के आसपास। डिप्रिशिएशन और इंटरेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, डिप्रिशिएशन 500 करोड़ के आसपास है और इंटरेस्ट 1200 करोड़ के आसपास है, करीबन यहाँ पे 1700 करोड़ यहाँ पे इनका इसी में निकल जा रहा है। और अदर इनकम छोड़ देते हैं, अदर इनकम यहाँ पे 264 करोड़ है, वही यहाँ पे 264 करोड़ अदर इनकम के दम पे ही ये कंपनी यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे जनरेट कर पा रही है, अन्यथा यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा वाइप आउट हो चुका है यहाँ पे इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन के कारण। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, यही चीजें आपको ईयर वाइज रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा। इनकी जो सेल्स है, सेल्स भी यहाँ पे जो मार्केट कैप ये होल्ड करता है 3,00,000 करोड़ का करीबन मार्केट कैप, अगर यहाँ पे देखेंगे मार्केट कैप यहाँ पे 3,00,000 करोड़ के आसपास ही है। और प्रॉफिट अगर देखेंगे, सॉरी सेल्स देखेंगे, तो सेल्स यहाँ पे 9,200 करोड़ के आसपास है, बहुत ज्यादा यहाँ पे गैप है, सेल्स उतनी हो ही नहीं रही जितना मार्केट कैप है उस हिसाब से। तो इस चीज पे यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, मतलब जो अभी है
मार्केट ने इसको बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू दे दिया है, तो इसी स्टॉक से यहाँ पे बच के रहना चाहिए। देख सकते हो इनका जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो यहाँ पे अदर इनकम के बराबर ही यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है, 1060 करोड़ के आसपास, 1457 करोड़ के आसपास। अदर इनकम अगर ये ना होता ना तो यहाँ पे 400 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट इनका होता ईयर वाइज ट्रेलिंग 12 मंथ में। और लास्ट ईयर यहाँ पे 973 करोड़ के आसपास था, उसके पहले यहाँ पे कम ही था। तो धीरे धीरे इनका प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, बट ये जो वैल्यूएशन है इतना वैल्यूएशन अदानी ग्रीन का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये एक बबल क्रिएट किया गया है बड़े प्लेयर के द्वारा। इनका रिजर्व भी अगर आप चेक करोगे ना, रिजर्व भी यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से दूर दूर तक नहीं है। ये देख सकते हो रिजर्व 6349 करोड़ का रिजर्व ही है। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में पैसा डाले हुए हैं 6400 करोड़, यहाँ पे पैसा यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में डाले हुए हैं, बट ये मार्केट कैप इतना होल्ड नहीं करना चाहिए, मतलब होल्ड नहीं करना चाहिए, इतना उसके लायक नहीं है। इन्वेस्टर की बात करें, इन्वेस्टर में यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रमोटर, प्रमोटर के पास कितना परसेंट माल पड़ा हुआ है, यहाँ पे 56% माल पड़ा हुआ है। FII के द्वारा यहाँ पे FII सेलिंग करना चालू कर दिए गए, देख सकते हो। और पब्लिक के पास होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यही चीज मैं बोल रहा हूँ। रिटेल पब्लिक जो है यहाँ पे ऊपर के लेवल पे फंसती है, वही चीजें यहाँ पे किया जा रहा है। और DII अभी जब नीचे आया था स्टॉक तो वहां पे थोड़ा सा बाइंग इनिशिएट किए थे, तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा हमको बच के रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो स्टॉक है अगर स्टॉक प्राइस में मूवमेंट हो रहा है तो हमको उस स्टॉक को यहाँ पे पकड़ना चाहिए, ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा यहाँ पे दूर रहना चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।